नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी में नगर पालिका सफाई कर्मचारी एवं वार्ड जमादार से सीएमओ ने किया दुर्व्यवहार, आक्रोशित एवं आंदोलनरत हुए कर्मचारी। सिवनी 2 जनवरी को नगर पालिका में दोपहर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जहां नगर पालिका कर्मचारियों का आरोप है कि सीएमओ पूजा बुनकर के द्वारा वार्ड जमादार एवं सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने उपस्थित होकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया एवं सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांग की कि सीएमओ द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सभी कर्मचारियों के सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, परंतु ऐसा नहीं होने पर आज दिनांक 3 जनवरी को पुनः बड़ी संख्या में कर्मचारी नगरपालिका परिषद के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की स्थिति बिगड़ती देखकर नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान, उपाध्यक्ष श्रीमती डॉली डागोर ने परिषद की बैठक बुलाकर सीएमओ और सफाई कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद में मध्यस्थता कर सभी की मांगे मानते हुए गतिरोध को समाप्त किया। कर्मचारियों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ, पूजा बुनकर सहित सभी पार्षदों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सिटी रिपोर्टर संदीप चौहान की रिपोर्ट। मैडम ने हमें लाइब्रेरी में बुलाए कि आप लोग आंदोलन करना है, जिस वजह से हम लोग सब वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद मैडम बोलती हैं नगर पालिका आइए, तो हमारे जो जमादार हैं संतोष, उन्होंने कहा मैडम हम यही कुछ कर रहे हैं, आप नगर पालिका बोल रही हो, कहीं पे लाइब्रेरी बोल रही हो, तो बोले आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, दो कोड़ी के हो आप। तो अब आप बताइए, हम ड्यूटी करते हैं, अपनी इज्जत को नहीं करते हैं, क्योंकि इज्जत जो है ये हमारी भी तो रोड मैडम को भी बात हमसे अच्छे से करना चाहिए ना। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि मैडम आके आपसे सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे? हाँ, सबके सामने आके माफ़ी मांगे, अकेले में माफ़ी नहीं, सबके सामने आके माफ़ी मांगे, हम यही कह रहे हैं, हमारा जब कर्मचारियों का यही कह रहे हैं। अभी मैडम आप लोग से माफ़ी नहीं मांगती है, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? निश्चित तौर पर ये नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर जी के द्वारा जो कर्मचारी को अपमानित किया गया है, उसके आधार में यहाँ पर जो कर्मचारी आक्रोशित हुए हैं, हम जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर मध्यस्थता कर कहीं ना कहीं सीओ मैडम को अल्टीमेटम दें और कर्मचारी की जो मांग है और इसके अलावा भी जो भी आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बैठ कर चर्चा जरूर करें। जैसे आंदोलन रद्द थे, उस आंदोलन के कारण आपने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया अपने जो कुछ मांगों को लेकर, उन मांगों का आज क्या हुआ? उनमें जो भी हमारी 8 से 10 मांगे थी, वो मांगों पे चर्चा हुई परिषद एवं अधिकारी द्वारा, और उन मांगों को बेइज्जत मान लिया गया और कुछ समय दिया गया है 6 से 7 दिन में निराकरण करने के लिए, आपसी समझौते के तहत उस मांग को मान लिया गया। जो आपकी जो पूरी मांग की गई है उसके लिए आपसे क्या वार्तालाप हुई अध्यक्ष, और क्या सीएमओ मैडम से आपकी चर्चा हुई? जी, सीएमओ मैडम से भी हमारी चर्चा हुई, परिषद से भी चर्चा हुई, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी से लेके सारी परिषद से चर्चा हुई, जिसमें उनने संतुष्टिपूर्वक सारे सवालों के जवाब दिए, और जो भी कार्य हमारा अभी बाकी पड़ा हुआ है नगर पालिका में, जो भी हमारी मांगे पड़ी हुई उनको 7 दिन में पूरा करने के लिए कहा निराकरण का, और हम परिषद एवं नगर पालिका अधिकारी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं का निराकरण। क्या अब यह माना जाए कि ये सब आपकी मांगे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं पूर्ण हो चुकी है, तो क्या ये गतिरोध जो है, जो आंदोलन था, वो क्या समाप्त किया गया आप लोग की तरफ से? अधिकारी तो समाप्त हो चुका है, कल से सभी कर्मचारी, समस्त कर्मचारी अपने अपनी वार्डों पर जाके अपनी अपनी जगहों पर काम करें। थैंक यू।